है जी। वीडियो ऑन करो बेटा। ओके, ई सेक्शन, बी सेक्शन, आई कैन सी यू ऑल। मेरी आवाज आ रही है बेटा? बी सेक्शन एंड ई सेक्शन, कैन यू हियर मी? ऑल राइट, ऑल राइट, लेट्स सी योर ऑल्सो, सी एफ एंड जी ऑल्सो, पुट ऑन देयर माइक्स एंड या पुट ऑन वीडियो। वेरी गुड, वेरी गुड, यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आर यू रेडी? मॉर्निंग। प्लीज सिट डाउन, सिट डाउन ऑल ऑफ यू। सी सेक्शन, पुट ऑन वीडियो, ऑडियो ऑल्सो। कल बेटा हमने मॉड्यूल के 3 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे। आपके पास जितने भी की पॉइंट्स लिखे हुए हैं, क्विक टेक को, क्विक टेक फटाफट से उनको एक बार रिवाइज कर लो। विल टेक 2 मिनट्स। सबने अपने अपनी नोटबुक में की पॉइंट्स लिखे हुए हैं, 7 और 8 जितने भी मैंने लिखवाए हैं। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, रिवाइज कर लो, ठीक है? और पीछे अगर आपने पेंसिल रखनी है उसको बार 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 खोलने के लिए, देखने के लिए, तो आप कुछ रख भी सकते हो पीछे, फिर पहचान रखने के लिए कि हम फटाफट से पीछे टर्न करेंगे और देख लेंगे कि कौन से क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, ठीक है बेटा? वी आर डिस्कसिंग द क्वेश्चंस, वी आर डूइंग दीज ऑल क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ की पॉइंट्स। आप अगर चाहो तो पीछे से की पॉइंट्स देख के मेरे को आंसर बता सकते हो, ठीक है बेटा? सेक्शन सी बेटा, आपका वीडियो नहीं आ रहा। हाँ, नाउ नाउ इट्स ओके। ओके बेटा, लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। की पॉइंट्स देखते रहना पीछे से, ओके? मैं आपसे ही पूछूंगी कि किसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो। बी रेडी फॉर दैट। सबके पास की पॉइंट्स लिखे हुए हैं, रेज योर हैंड जिस जिसके पास रेडी है कि हाँ क्विकली आप पीछे से देख सकते हो। पीछे चाहे बुक रख लो उस पेज पे, चाहे कोई पेज लिख लो पहचान के लिए कि फटाफट से पीछे टर्न करके आप देख पाओ कि हाँ मेरे किस क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है। वेरी गुड, हैंड्स डाउन, हैंड्स डाउन। आई एम नॉट टेकिंग योर टेस्ट, हम अभी डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन को, तो की पॉइंट्स में से आप देख सकते हो और मुझे बता सकते हो, ठीक है? क्योंकि हर एक क्वेश्चन में आपको जैसे ही अभी सोच रहे हो वैसे ही एग्जाम में सोचना होगा कि कौन सा क्वेश्चन कैसे करें। फोर्थ क्वेश्चन इज, इफ वन एंगल इज द एवरेज ऑफ अदर 2 एंगल्स एंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट एंगल इज 60 डिग्री। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए इस क्वेश्चन में जो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आप क्वेश्चन में लिख सकते हो ग्रेटेस्ट एंगल। सबको पता है ग्रेटेस्ट का मतलब सबसे बड़ा, यू नो इट। लीस्ट का मतलब क्या होता सबसे छोटा। है? स्मॉलेस्ट, यस। जिसको नहीं पता दे कैन राइट इट डाउन, लीस्ट मीन स्मॉलेस्ट। तो हमें इस दोनों का रिलेशन दिया हुआ है, ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट का, उनका डिफरेंस दिया हुआ है हमें 60 डिग्री। डिफरेंस इज इक्वल टू 60 डिग्री। मैंने आपको बोला था कि ज्योमेट्री का कोई भी क्वेश्चन हम बिना फिगर के नहीं करेंगे, चाहे वो गिवन है फिगर चाहे वो नहीं है। इफ नॉट गिवन यू ड्रॉ योर ओन फिगर। इसमें ट्राइंगल की बात हो रही है, सो वी विल ड्रॉ आर ओन ट्राइंगल, ठीक है? ABC शेप हमारे सामने हो तो हमें बहुत कन्वीनियंट लगता है क्वेश्चन करना, ठीक है? देन द ट्राइंगल फॉर्म इज, दे आर आस्किंग टाइप ऑफ ट्राइंगल। टाइप ऑफ ट्राइंगल आपसे पूछ रहे हैं कि किस टाइप का ट्राइंगल बनेगा, ओके? ये आपकी समरी है पूरे क्वेश्चन की।
ओके यहाँ पे टू मेरे ट्रायंगल। पास ग्रेटेस्ट का मतलब सबसे बड़ा, दैट यू नो ग्रेटेस्ट को मैंने कुछ नहीं लिखा यहाँ पे, ग्रेटेस्ट आपको पता है ऑलरेडी। स्मॉलेस्ट जो लीस्ट होता है उसको स्मॉलेस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो देयर इज अ रिलेशन बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट, आपको दिया हुआ है डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर इज 60 डिग्री, ठीक है। तो ये जो इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है डिफरेंस वाली, ये चीज आपको क्या बता रही है, इसका क्या मतलब है? यस ए सेक्शन खुशी, मैं सिर्फ आपसे वही चीजें पूछूंगी जो ऑलरेडी आपने की हुई है, जो थोड़ी सी कॉमन सेंस वाली है, ठीक है। क्वेश्चन तो न्यू है, मैं ही करवाऊंगी आपको, नॉट वरी। खुशी प्लीज कम, टेल मी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिफरेंस बिटवीन देम इज 60 डिग्री। ग्रेटेस्ट एंगल और स्मॉलेस्ट एंगल का डिफरेंस हमें 60 डिग्री दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है? ओके खुशी आर यू टेलिंग मी डिफरेंस का मतलब क्या होता है बेटा? सम का मतलब क्या होता है? सम ऑफ टू एंगल्स। तो उन दोनों को ऐड करने से आंसर आता है, उसे सम कहते हैं। मैम गुड, और डिफरेंस किसको बोलते हैं? वेरी उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से जो आंसर गुड, डिफरेंस मतलब उन दोनों का सब्ट्रैक्शन। तो अगर आपको एक बड़ी चीज दी है और एक छोटी चीज दी है, तो डिफरेंस क्या क्या लिखोगे, क्या क्या माइनस क्या लिखोगे? बड़े में से छोटा माइनस करते हो ना? है। यस ओके सिट डाउन देन, राइट डाउन, गो एंड सिट। ग्रेटेस्ट माइनस ग्रेटेस्ट एंगल माइनस स्मॉलेस्ट एंगल इज इक्वल टू 60। ये चीज, ये कंडीशन हमें दी हुई है, डिफरेंस का मतलब दोनों का माइनस दिया हुआ है। ठीक है, अब ग्रेटेस्ट एंगल फिर किसके इक्वल होगा? लेट स्मॉलेस्ट एंगल, स्मॉलेस्ट एंगल को सपोज कर लेते हैं, यहाँ पे एंगल लिखना है तो लिख लो, आपको पता है कि एंगल्स की बात हो रही है, ओपन इज इक्वल टू ओपन ग्रेटेस्ट अच्छी आपको सफोकेशन नहीं हो रही, आप कैसे बंद करके रूम को बैठे हो? -60 डिग्री। स्मॉलेस्ट एंगल, अगर इसको हम नहीं भी सपोज करें तो भी चलेगा, ओके। यू शुड नो इट की एंटा भी रिलेशन क्या दिख रहा है, ग्रेटेस्ट एंगल्स माइनस स्मॉलेस्ट एंगल आपने कर लिया इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट एंगल हमारे पास क्या आएगा? ग्रेटेस्ट एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री प्लस स्मॉलेस्ट एंगल। हमने इसको इधर ट्रांसफर कर दिया, स्मॉलेस्ट एंगल को हम उस साइड पे लेंगे, ठीक है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, ये स्टेप अंडरस्टैंड करो, आई एम पुटिंग स्टार ओवर हियर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। पहले समझो फिर लिखो उसको, ओके। अगर नहीं समझ आ रहा उठ के पूछो, कॉपी में बिना समझे नहीं नोट करना, ओके। आई रोट हियर डिफरेंस बिटवीन देम इज 60 डिग्री, इसका मतलब बड़ा वाला एंगल माइनस छोटा वाला एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्या हम इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, स्मॉलेस्ट माइनस ग्रेटेस्ट भी लिख सकते हैं? हु से ये क्या आप लिख सकते हो उल्टा इसको, स्मॉलेस्ट माइनस ग्रेटेस्ट इज इक्वल टू 60? नो नो, यू नो बड़े में से छोटा माइनस करोगे तभी आपके पास पॉजिटिव आंसर आएगा +60, इंटीजर्स में पढ़ा हुआ है आपने। तो दिस इज फिक्स, ग्रेटेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट इज इक्वल टू 60 डिग्री।
तो मैं स्मॉलेस्ट को हमने उधर ट्रांसफर कर दिया उधर जाके, ये हो गया प्लस राइट। तो अभी हमारे पास इसको सपोज करते हैं लेट स्मॉलेस्ट एंगल इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट एंगल क्या होगा, ग्रेटेस्ट विल बी इक्वल टू 60 डिग्री प्लस एक्स। इन दो चीजों को फोकस करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। हमने उनके नंबर की फॉर्म में हमने निकाल लिया, स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट को हमने नंबर की फॉर्म में निकाल लिया। हमें ये पता चल गया कि एक एंगल एक्स है और दूसरा 60 डिग्री प्लस एक्स है। जब आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा आफ्टर रिवाइजिंग, तो आप डायरेक्टली ये स्टेप भी लिख सकते हो। अगर आपका मन करे तो यहां से भी क्वेश्चन शुरू कर सकते हैं, आई एम टेलिंग यू, ठीक है। मैंने ये ऊपर वाली चीजें इसलिए लिखी है ताकि आपको समझ आए कि क्वेश्चन कहाँ से शुरू हुआ और हम कहां तक पहुंच रहे हैं। द चिल्ड्रन हु अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी वेल, और जिनको अभी तक समझ आ भी गई होगी कि हमारे लिए तो बहुत इजी स्टेप था कि एक को सपोज किया और दूसरा हमने 60 प्लस एक्स लिख लिया, तो वो डायरेक्टली भी क्वेश्चन शुरू कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने सिंपल इक्वेशन का चैप्टर बहुत अच्छे से किया हुआ है, यू विल अंडरस्टैंड कि वाई इट इज 60 प्लस एक्स, ठीक है बेटा। अगर आपको थोड़ी प्रॉब्लम है तो ऊपर वाले स्टेप्स लिखो नाइसली, ताकि आपको रीजन पता चले कि हमने ये क्यों लिखा है ये स्टेप। एग्जाम में अगर आप डायरेक्टली यहां से शुरू करते हो इट इज फाइन, नो प्रॉब्लम, जहां मैंने टिक मार्क लगाए। अभी हमारी हाफ कंडीशन कवर हुई है कि डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, टू एंगल्स हमने दिया हुआ था 60 डिग्री, हमने दो एंगल्स के बारे में सोच लिया। अभी टाइप ऑफ ट्राइंगल हमें बताना है, तो टाइप ऑफ ट्राइंगल के लिए थर्ड एंगल भी तो पता होना चाहिए हमें, राइट। तो थर्ड एंगल क्या होगा, थर्ड एंगल इज इक्वल टू, फिगर हमने बनाई हुई है उससे हमें पता चल रहा है कि जब तक तीनों एंगल नहीं आएंगे हमारे टाइप ऑफ ट्राइंगल वी विल नॉट कम टू नो, ओके। सो थर्ड एंगल क्या होगा, व्हाट इज द कंडीशन गिवन बेटा, वन एंगल इज द एवरेज ऑफ अदर टू, प्लीज अंडरलाइन करो इसको। क्वेश्चन में था वन एंगल इज द एवरेज ऑफ अदर टू, ये चीज अभी तक हमने यूज नहीं की है, वी आर गोइंग टू यूज इट नाउ, ठीक है। थर्ड एंगल इज इक्वल टू एवरेज, व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज, किसी को पता है, ओके राइट डाउन देन। ये एवरेज वर्ड कभी कभी यूज होता है किसी किसी क्वेश्चन में, की पॉइंट्स में इसको लिख सकते हो, की पॉइंट्स में ऐड कर लो एवरेज ऑफ एक्स एंड वाई। जब भी हमने इनका एवरेज निकालना होता है की पॉइंट्स में ऐड करो 9th पॉइंट या 8th पॉइंट, फिर करो x एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई टू। कौन से सेक्शन से बताया आपने, मैम ओके वेरी गुड। ये वर्ड आपने यूज किया हुआ है 6th में भी यूज किया हुआ है किसी चैप्टर में, डाटा हैंडलिंग में, या अभी 7th में भी आएगा आपका, अगर डाटा हैंडलिंग नहीं किया उसमें भी ये वर्ड आपको यूज होगा। इसको प्लीज की पॉइंट्स में लिख लो बेटा, एवरेज पॉइंट को नंबर जो भी है आपका 8th या 9th उसमें ऐड कर लो, कि एवरेज ऑफ टू नंबर्स होता है उनका प्लस डिवाइडेड बाय टू। प्लीज रिमेम्बर पूरा डिवाइडेड, पहले हम प्लस करेंगे फिर टू से डिवाइड करेंगे, कंप्लीट लाइन मैंने ड्रॉ की है यहाँ पे, ठीक है बेटा। यही एवरेज हम अभी इस क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में था थर्ड एंगल इज इक्वल टू एवरेज ऑफ बोथ, इसका मतलब स्मॉलेस्ट एंगल, स्मॉलेस्ट एंगल प्लस ग्रेटेस्ट एंगल डिवाइडेड बाय टू। मैम एंगल बाय कौन सा है, ये बेटा हमने एक फॉर्मूला लिखा है कि टू एंगल्स कोई भी हो सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे ए और बी लिखती तो हम यहाँ लिखते ए प्लस बी बाय टू, ये तो हमने फॉर्मूला लिखा है ना, कोई भी टू एंगल्स का एवरेज। हमारे क्वेश्चन में वाई नहीं यूज हो रहा,
पीछे पेस्ट ऑन करो, की पॉइंट्स में ऐड करो कि अगर हमें दो नंबर का एवरेज निकालना हो कभी भी, उनको प्लस करेंगे और टू से डिवाइड कर देंगे, दिस इज कॉल्ड देयर एवरेज। इज इट फाइन बेटा? वाई हमारा इस क्वेश्चन में नहीं यूज हो रहा कहीं भी, हम तो दो चीजों की बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन में। हम दो चीजें किनकी बात कर रहे हैं, स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट का एवरेज। इज इट फाइन? तो हमने सेम फॉर्मूला लिखा, स्मॉलेस्ट एंगल प्लस ग्रेटेस्ट एंगल डिवाइडेड बाय टू, हमारा फॉर्मूला यूज हो रहा है। दोनों की वैल्यू पुट करो, आई एम जस्ट क्लीनिंग फ्रॉम हियर सो दैट आई कैन राइट अप। इनकी वैल्यू पुट करो, थर्ड एंगल इज इक्वल टू, मैं एक एक स्टेप में को यहां पे लिखना पड़ रहा है ताकि सबको समझ आ जाए। ओके okay? और इसको ये मत सोच के छोड़ देना कि बहुत लंबा क्वेश्चन है, कौन करेगा, छोड़ो। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग यू कैन मेक इट स्मॉलर योर सेल्फ। ये फॉर्मूला नहीं भी लिखोगे, डायरेक्टली आप लिख सकते हो, थर्ड एंगल इज इक्वल टू फर्स्ट एंगल प्लस सेकेंड एंगल। सेकेंड एंगल हमारा 60+6 था अपॉन 2। एवरेज है दोनों का। ओके तो फाइंड करो जरा, आपने सिंपल इक्वेशन का चैप्टर किया हुआ है, एवरीबॉडी विल डू। 2x प्लस 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2x+60 डिवाइडेड बाय 2, यस दैट इज फाइन, इसको छोड़ दो ऐसे ही, ठीक है। 2x+30 डिग्री। क्या 30 डिग्री आ रहा है बेटा? ओके यू आर सेइंग दैट, ओके ऑल राइट। अब प्रॉब्लम ये है कि हमने तीनों के एंगल्स निकालने हैं। आपको पता है कि सम ऑफ थ्री एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री। सम ऑफ थ्री एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज एंगल ए प्लस एंगल बी। सॉरी आपको जो तीन एंगल देखने हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। सम ऑफ थ्री एंगल्स, तो थ्री एंगल आपके कौन कौन से हैं? एक आपके पास एक्स है, एक आपके पास 60+x है, तीसरा आपके पास 2x+60/2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमने तीनों को प्लस कर दिया और 180 डिग्री लिख लिया क्योंकि तीनों का सम 180 डिग्री होता है। नोट करो, अंडरस्टैंड करो। यहां तक ये क्वेश्चन किस किस को समझ आ गया? रेज योर हैंड, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आई हैव अंडरस्टूड कि जब मैं स्लो पढ़ा रही हूँ आपको समझ आ रहा है सब कुछ कि कैसे कैसे जा रहे हैं। इफ आई डू इट फास्टर तो आपको समझ नहीं आएगा कि एक्स कहाँ से आया, 60+x कहाँ से आया। ओके वेरी गुड, हैंड्स डाउन। आई होप सबने सिंसियरली हैंड खड़े किए हैं, है ना। यू आर ऑल गुड चिल्ड्रन। फर्स्ट एंगल स्मॉलेस्ट हमारे पास एक्स था, सेकेंड एंगल ग्रेटेस्ट हमारे पास 60+x था, थर्ड एंगल अभी अभी हमने निकाला उनका एवरेज। तो तीनों का सम हमारे पास 180 डिग्री है, लेट अस सॉल्व इट। ठीक है, सिंपल इक्वेशन आपने किया हुआ चैप्टर, यू नो हाउ टू सॉल्व देम ऑल। इक्वेशन के फॉर्म में आपके पास बन चुका है ये, तो आप इसको लिख सकते हो 2x+60+2, कॉमन ले लो यहां से x+30। अभी किसी ने मेरे को बताया भी था कि x+30 आ सकता है, यस आ सकता है। डिनोमिनेटर खत्म हो गया आपके पास, फ्रैक्शन वाला खत्म हो गया बिल्कुल। ये एफ सेक्शन में पीछे लास्ट बॉयज, आर यू राइटिंग? हाँ चलना चाहिए आपका साइड बाय साइड, अगर आप नहीं लिखोगे तो आपको समझ नहीं आएगा। 2x+60+x+30 इज इक्वल टू 180 डिग्री। बहुत अच्छी आपके पास सिंपल इक्वेशन बन चुकी है, प्लीज फाइंड एक्स फ्रॉम हियर। सबको पता है सॉल्व कैसे करते हैं। आंसर मैं पूछूंगी आपसे, सबने नहीं बताना, किसी ने बैठे बैठे आंसर नहीं देना। यू नो इट कैसे सॉल्व करना है इक्वेशन को, बहुत मेजर पार्ट मैंने क्वेश्चन का किया है, अभी रिमेनिंग आप करोगे और मेरे को बताओ। बी सेक्शन, बी सेक्शन, जेसिका,
कॉपी साथ ही ले आओ, अपनी नोटबुक इधर ही ले आओ, थोड़ा सा रह भी गया तो यू कैन डू इट हियर। ज्यादा मुश्किल नहीं है एक्स निकालना यहाँ पे, है ना? इट इज वेरी सिंपल। कितने सिंपल सिंपल नंबर्स हैं ये सारे। हैव यू फाउंड बेटा? हाँ मम्मी यस जी बताओ, व्हाट इज एक्स? कोई बात नहीं, 2 मिनट कर लो यहाँ पे। इफ यू आर एबल टू टेल मी यू कैन डू इट। 3x। आई एम आस्किंग एक्स। अब वो तो आपको पता है, 3x करना है, 90 करना है, ट्रांसफर करना है, वो सब आपको पता है। वो तो आपका सिंपल इक्वेशन का क्वेश्चन बन गया ना ये सारा। एक्स बताओ, एक्स कितना आ रहा है, किस किसी ने निकाल लिया? रेजो हैंड। ओके ओ फाइन, इट्स ओके। जैसिका बैठ के करो बेटा, ये सिंपल लाइन हो, आपको पता चल जाएगा। अगर आपने 3x कर लिया तो आगे भी हो जाएगा। वेरी गुड। ओके एक्स 90 डिग्री इक्वल टू कितना आ रहा है? प्लीज नाइन प्लीज रिवाइज, एक बार और रिवाइज करो, छोटी सी गलती है, छोटी सी। क्विकली जिन जिन ने कर लिया अपने अपने रिवाइज कर लो फटाफट से। आई वॉन्ट करेक्ट आंसर। एक्स इज इक्वल टू 30 डिग्री, किस किस का आ रहा है? रेजो हैंड। एक्स वैल्यू यस, एक्स इज इक्वल टू 30 डिग्री। आपको इसके टाइम दिया कि करने में टाइम लगता है, ये कैलकुलेशन है। आपने ऐड किया, फिर उसको ट्रांसफर किया, डिवाइड किया, है ना? तो थोड़ा सा टाइम लगता है। तो एक्स इज इक्वल टू 30 डिग्री सबका आ रहा है। थैंक गॉड वी हैव गॉट सम एंगल, नहीं तो एक्स एक्स में सारा क्वेश्चन चल रहा था हमारा। वी केम टू नो कि लीस्ट एंगल हमारे पास 60 डिग्री है, तो हमने फाइंड आउट करना था ग्रेटेस्ट एंगल क्या है इसमें। फिर ग्रेटेस्ट एंगल कितना होगा बेटा? 90 डिग्री। प्लस 30 डिग्री, 90 डिग्री। अगर हम आगे थर्ड एंगल ना निकाले तो आपको थोड़ा सा क्लू मिल रहा है कि कैसा एंगल होगा, ये कैसा ट्राइंगल होगा। राइट एंगल, राइट राइट एंगल ट्राइंगल। यस ओके तो आपकी ऑप्शन इसमें आ रही है सी ऑप्शन, राइट एंगल ट्राइंगल। जैसे ही 90 डिग्री हमने पढ़ा, हमें जल्दी से पता चल गया कि ये राइट एंगल ट्राइंगल की ही प्रॉपर्टी हो सकती है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री है। मैम, सम ऑफ 3 एंगल्स में जो आपने सेकंड इक्वेशन लगाई है वहां पे 60 डिग्री की जगह 30 डिग्री क्यों है? मैम यहाँ पे, यहाँ पे यस लुक है बेटा, यहाँ पे हमने क्या किया, वी फाउंड ऊपर से न्यूमिरेटर से हमने 2 कॉमन निकाला। ओके चलो मैं कॉमन निकालने से पहले आपको बता दूं, 2 into 6 30 डिग्री है ये, 60 का मतलब 2 into 30 है ये। इज इट फाइन? 60 का मतलब 2 into 30 हुआ ना, तो 2 2 2 सब में कॉमन आ रहा है, इसमें इसमें इसमें, यहाँ पे प्लस का साइन है, सॉरी यहाँ पे प्लस का साइन था आपका। 2x प्लस 2 into 30 डिवाइडेड बाई 2, तो हमने 2 2 2 कॉमन ले लिया सब में से, x प्लस 30/2, तो ये 2 2 कैंसिल हो गया। इट इज फाइन। प्लीज यस इसको लिख लो ये स्टेप, ये अभी आपके लिए न्यू होगा, हो रहा होगा, क्योंकि कभी कभी किसी किसी क्वेश्चन में यूज होती है ये चीज, कॉमन देखने वाली चीज, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और ये डाउट काफी बच्चों के माइंड में होगा, एंड शी इज बोल्ड टू आस्क मी, ब्रेव चिल्ड्रन दे ऑलवेज आस्क द डाउट्स, आई मस्ट टेल यू। और बाकी जो है थोड़ा वेट करते रहते हैं कि चलो देखा जाएगा, बाद में करेंगे, नहीं समझ आया तो इट्स ओके, बी ब्रेव, कम एंड आस्क द क्वेश्चंस। एंड मेरे को बताओगे ये डाउट किस किस को था, जरा हाथ खड़े करना जो उसने पूछा है। काफी बच्चों को डाउट होगा कि ये 30 कहाँ से आ गया। चलो वेरी गुड, इफ यू हैव अंडरस्टूड इट इज यू आर मोर ब्रेव, इट इज फाइन बेटा, योर डाउट इज क्लियर। ऑल यस राइट, अगर लिखना चाहो इसको साइड पे लिख भी सकते हो। ठीक है बेटा, नाउ इट इज ओवर, प्लीज रिवाइज एट होम एक बार दोबारा, और कोई डाउट होगा यू कैन आस्क मी नेक्स्ट टाइम। क्वेश्चन नंबर 5, इन द फिगर ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, फिगर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट लग रही होगी,
आपको दिख रहा होगा कि एक रेक्टेंगल है, उसके अंदर ट्रायंगल है, बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं उसके अंदर। कुछ फिगर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट दिख रही है, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। दो लाइन का आंसर है इसका, ठीक है? सो फिगर के ऊपर मत जाना, ड्रॉ द फिगर इन नोटबुक नीटली, घबराना नहीं फिगर को देख के, ड्रॉ इट, फोर लाइंस अपने यूज करो नोटबुक की, नाइसली फिगर ड्रॉ करो, सारे उसमें जो एंगल्स लिखे हैं वो लिखो, ए बी सी डी जो नेम लिखे हैं वो लिखो, आई एम ऑल्सो गोइंग टू राइट हियर, ठीक है? कॉन्फिडेंटली, वेरी गुड, आंसर इज वेरी वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 5, फिगर आई एम ऑल्सो ड्रॉइंग ओवर हियर, रेक्टेंगल दिया हुआ है आपको, उसके ऊपर एक ट्राइंगल दिया हुआ है, एंड ये आपको ई पॉइंट दिया हुआ है, डायगनल्स आर क्रॉसिंग ईच अदर, ठीक है? ध्यान से फिगर नोट करना, कुछ मिस ना हो जाए, नहीं तो समझ नहीं आएगा। ए बी सी डी ई एफ एट द टॉप, एक्स आपको दिया हुआ है, दिस इज एक्स एंड दिस एंगल इज गिवन टू यू 65 डिग्री, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल एंड ट्राइंगल सी ई एफ इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये भी लिख लो आप, ट्राइंगल सी ई एफ, सी ई एफ इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। आपको सिर्फ माइंड में ये सोचना है कि रेक्टेंगल में क्या क्या होता है और इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या क्या होता है, ताकि हम उसको यूज कर पाए, ठीक है? आपको फाइंड आउट करनी है वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट, 30 डिग्री, एक्स इज 30 डिग्री, फाइन एक्स, ओके। मेरे को खड़े होकर बताओ कैसे निकाला आपने, क्या प्रोसेस निकाला लगाया आपने, एक्स इक्वल टू 30 कैसे आया ये? इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारी साइड्स इक्वल कौन सी क्लास से बोल रहे हो बेटा? होती हैं। 7th। 7th, ओके ओके, यू आर सिटिंग एट फ्रंट ऑन, ओके बेटा, हाँ, नाउ एक्सप्लेन इट, यस। इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारी साइड 60 डिग्री होती हैं। सारी साइड्स नहीं, सारे एंगल्स, है ना, सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं, इट इज फाइन। अगर सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं तो आपका मतलब कि ये भी 60 है, ये भी 60 है और ये पूरा भी 60 है, ये मतलब हुआ ना? फिर आपने 30 कैसे निकाला एक्स? मैम उसके बीच में से एक लाइन परपेंडिकुलर है और वो 30 डिग्री 60 को 2 के साथ डिवाइड करके आ रहा है। बेटा ये जो आपने बोला कि 60x जो है उसके हाफ में काट रहा है, आपको कैसे पता ये हाफ में काट रहा है? जब तक आपको बाइसेक्टर नहीं दिया हुआ आप नहीं बता सकते कि वो हाफ में है। अगर मैं कोई डिग्री आपको एंगल यहाँ पे 60 डिग्री का बनाती हूँ, तो 60 डिग्री का हो सकता है यहाँ पे एक आपके 40 और 30 भी, 40 और ये भी बन सकता है, 20 हो सकता है ये वो। जब तक आपको क्वेश्चन में ये नहीं बताया गया कि वो उसका बाइसेक्टर है, तब तक आप नहीं बता सकते कि उसके इक्वल पार्ट्स बन रहे हैं। अपनी मर्जी से आप यूज नहीं करोगे कभी भी, ओके? क्वेश्चन में कहीं भी मेंशन नहीं है कि ये इसका बाइसेक्टर है, ये पॉइंट तो आपको, चलो मिडल पॉइंट वैसे दिया भी नहीं हुआ, इट्स ओके, मिडल पॉइंट की तो चलो कोई बात नहीं है, आपको ये नहीं बताया हुआ कि सी डी उसको बाइसेक्ट कर रहा। अगर मैं बोलूँ कि ये एक एंगल है और ये इसका बाइसेक्टर है, फिर आप बोलोगे कि दोनों 30 डिग्री है, ये भी 30 है, ये भी 30 है, इज इट क्लियर बेटा? इज इट फाइन? अपने आप ने अपनी प्रॉपर्टी अपनी यूज कर ली। हाँ जी, डी सेक्शन से द बॉय हु वांट्स टू टेल मी, यस बेटा,
हाँ जी, आपका माइक काम नहीं कर रहा। ओके, ई सेक्शन बेटे, आई टे डाउट इज क्लियर बेटा। ओके, प्लीज बी केयरफुल, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं, अपने आप इमेजिन नहीं करना आपने, जो चीज गिवन है उसको यूज करो। ओके, डी सेक्शन से बेटा, माइक तो आपका काम नहीं कर रहा, इट इज फाइन, बट डू यू वॉन्ट टू टेल मी, यू आर टेलिंग मी वैल्यू ऑफ एक्स। हाँ जी बेटे, ट्वेंटी हाँ जी, दोबारा बोलो बेटे। 25 डिग्री 25 डिग्री, बिल्कुल ठीक है। प्लीज टेल मी हाउ डिड यू फाइंड। सारे बच्चे ध्यान से सुनो प्लीज, बहुत एफर्ट किया आपने 25 निकालने के लिए, वेरी गुड, प्लीज एक्सप्लेन मी। रेक्टेंगल के सारे एंगल्स 90 डिग्री यस के यस, होते हैं। हम 65 को 90 में से 65 को माइनस कर देंगे। वेरी गुड, तो आपने एंगल 1 निकाल लिया कि 90 माइनस 65 है, वेरी गुड, एक्स ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से आ जाएगा। एक्सेलेंट एक्सेलेंट, बहुत अच्छे से आपने सोचा इसको, और दूर की सोची आई, बहुत दूर की सोची आपने, है ना, वंडरफुल। एवरीबडी एवरीबडी अंडरस्टैंड फर्स्ट, बाद में लिखना है इसको, मैंने तो अभी सिर्फ वही लिखा जो उसने बताया, अभी मैंने मैंने तो एक्सप्लेन करना है आपको, हाउ वुड यू राइट द स्टेप्स। लुक हियर बेटा, ए बी सी डी आपको रेक्टेंगल दिया हुआ है, तो आपको पता है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। रेक्टेंगल में सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, आपको पता है, ठीक है, तो इसलिए हमारा एंगल 1 किसके इक्वल होगा, टोटल आपके पास 90 डिग्री है, एंगल 1 किसके इक्वल होगा, 90 डिग्री माइनस 65, दिस कितने मेथड हैं इस क्वेश्चन इज 25 डिग्री। प्लीज मेंशन एंगल 1 ओवर हियर, अपने रेक्टेंगल के अंदर एंगल 1 लिखो 65 के बिल्कुल साथ में, ताकि हम उसके बारे में पहले बता पाए। ठीक है बेटा, एंगल 1 आपके पास आ गया 25 डिग्री। अब आपको पता है कि डी सी जो है इज पैरेलल टू ए बी एंड ए सी इज ट्रांसवर्सल। ओके, ट्रायंगल आपको डीसी इज पैरेलल टू एबी एंड एसी इज ट्रांसवर्सल, आपने किया हुआ है लाइंस एंड एंगल्स को चैप्टर, ऑल्टरनेट एंगल्स पता है आपको, यस पता है, तो फिर उसको यूज करो, डीसी इज पैरेलल टू एबी एंड एसी इज ट्रांसवर्सल, देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एक्स, ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स, बहुत क्लियरली आपको दिख रहे हैं आमने सामने, एंगल 1 जो है वो एक्स के इक्वल आ रहा है, एक ट्रांसवर्सल के लेफ्ट नीचे है, एक ट्रांसवर्सल के ऊपर है, 1 इज इक्वल टू एक्स, इसलिए एक्स इज इक्वल टू 25 डिग्री। छोटा सा है ना, कोई डाउट है तो यू कैन स्टैंड एंड आस्क मी, क्योंकि ये आपकी पिछले किसी और चैप्टर की भी कॉन्सेप्ट इसमें यूज हो रहा है, और आपने देखा सारे चैप्टर एक दूसरे से लिंक होते हैं, यानी कि अगला चैप्टर किया तो पिछला भूल गए। ओके, 8th में आगे तो 7th का भूल गए, 7th में आए तो 6th का भूल गए, नो, यू हैव टू यूज ऑल, कोई भी प्रॉपर्टी आप यूज करो। बातें कम सामने देखो। नाउ ब्रेव चिल्ड्रन स्टैंड एंड आस्क योर डाउट्स, कर लो क्लियर, उसे। यस, गुड बेटा, कम टू असर्शन रीजन, फर्स्ट क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन जिनको अभी समझ आ रहे हैं घर पे जाके प्लीज अंडरस्टैंड देम एंड डू इट वंस मोर इन योर आउट। ओके, assertion reason beta we are going to start, first question is assertion, ध्यान से आपने जो जो statement लिखी हुई है ना उनका रफ में फिगर ड्रॉ करना, फिर मेरे को बताते रहना कि true है या false है। ओके, इसको अंडरस्टैंड करते रहना आप, दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ assertion रीजन। थोड़ा सा
हाफ मिनट की ब्रेक ले लो ताकि थोड़े से जो बड़े बड़े क्वेश्चन किए उनको एब्जॉर्ब कर लो एक बार जरा, क्योंकि अभी हमारा जो एसर्शन ने जो सेंटेंसेस यूज होने वाले हैं उनको हमने रफ लिख के इमेजिन करना है कि कैसी फिगर है, किसकी बात हो रही है, तो बोले या पॉज बोले, थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा। रफ कॉलम आपका रेडी रहना चाहिए, हो सकता है आपको कुछ कुछ उसमें फिगर बनानी पड़े, हो सकता है थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़े, क्योंकि अंडरस्टैंड करोगे सेंटेंस को तो ही मेरे को रफ और फॉल्स बताओ, ठीक है? और मैं नाम बोलूंगी वही मेरे को आंसर बताएंगे, सबने बैठे बैठे आंसर नहीं देना। एवरीबडी विल थिंक इट नाइसली। फर्स्ट इज असर्शन, अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ इट्स अपोजिट साइड इज कॉल्ड मीडियन ऑफ द ट्राइंगल। फर्स्ट ऑफ ऑल वेट वेट वेट, असर्शन रीजन आप मॉड्यूल में स्टार्ट कर रहे हो, अपने की पॉइंट्स अपने सामने खोल के रखो, पेज टर्न कर लो, सोचो आपने की पॉइंट्स में लिखा ये चीजें वहीं से यूज होने वाली, एंड यू कैन मैच ऑल्सो अभी आप की पॉइंट्स अपने यूज करने वाले हो उनको भी रीड करना, और साथ में आपका रफ कॉलम के लिए पेन भी रेडी रहना चाहिए। तो एसर्शन सब लोग ध्यान से पढ़ो, आई एम गोइंग टू कॉल द नेम्स टू टेल ट्रू और फॉल्स। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ इट्स अपोजिट साइड इज कॉल्ड मीडियन ऑफ द ट्राइंगल। फटाफट से हमने रफ में एक छोटा सा ट्राइंगल बनाना है। दे आर आस्किंग कि इसको दर्शन बात करो, ट्रू बैठे आंसर नहीं देना। लेट मी आस्क, ध्रुव सेक्शन ई, सेक्शन ई ध्रुव आगे आओ। यस दिस इज ट्रू और फॉल्स? ट्रू। क्या पता चला आपको यहां से जिसकी वजह से आपने ट्रू बोला? रीजन बताओ रीजन बताओ ना। ध्रुव, यू डोंट नो, एक्सप्लेन करो कि ये ट्रू क्यों है। ओके इट्स ओके, बैठो और सोचो इसको, एंड दैट गर्ल इज रेजिंग हर हैंड आपके साथ में। यस बेटा बता दो। ध्रुव लिसन टू हर केयरफुली। हाँ जी बेटा, टाइम डिवाइड्स अ ट्राइंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स। कौन सी लाइन? मैम मीडियन। मीडियन जो है वो अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे काटती है। मीडियन की पहचान ही यही है कि इसको टू इक्वल पार्ट्स में काटेगी, आपने की पॉइंट्स में भी लिखा हुआ है। ओके वेरी गुड, दिस इज ट्रू। ध्रुव यू कैन सिट एंड अंडरस्टैंड व्हाई इट इज ट्रू। रीजन इज अ ट्राइंगल कैन हैव एट द मोस्ट वन मीडियन, दीपिंदर। आपके साथ है, की पॉइंट्स में भी पढ़ो और अंडरस्टैंड करके मुझे बताओ। ट्राइंगल कैन हैव एट द मोस्ट वन मीडियन, एट द मोस्ट मीन्स मैक्सिमम फॉल्स, वाई थ्री मीडियंस होते हैं। आपको मैंने फिगर में भी ड्रॉ करके बताया था कि आपका मीडियन किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे फॉल कर सकता है, चाहे वो यहां से आए चाहे वो किसी भी आपके वर्टेक्स से लेके अपोजिट साइड पे जाए। तो तीन वर्टेक्स एक ट्राइंगल के अंदर होते हैं, तो तीन मीडियन भी होंगे। इट्स ओके, प्लीज सिट डाउन बेटा, वेरी गुड। सो आपका फर्स्ट का क्वेश्चन का आंसर है सी ऑप्शन, ट्रू था, रीजन फॉल्स, वेरी गुड। किसी को कोई डाउट है इसमें? यू हैव अंडरस्टूड? मीडियन अपोजिट साइड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, मतलब उसके मिड पॉइंट पे वो फॉल करता है, ठीक है? बॉडी चेंज करके आती है, अपनी अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा एक्सपैंड करो। मिड पॉइंट या उसका बाइसेक्टर या उसके उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, तीनों का सेम मीनिंग है।
ओके, सेकेंड क्वेश्चन इज असर्शन ऑल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल कैन नॉट लाई आउटसाइड द ट्राइंगल. फॉल्स, कौन सा ट्राइंगल होता है जिसमें आउटसाइड फॉल करता है? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल. रेज योर हैंड, किसको पता है कि ऑब्ट्यूज एंगल में ऑल्टीट्यूड बाहर फॉल करता है? आपने फिगर भी ड्रॉ की थी, की पॉइंट जब मैंने लिखवाए थे इसमें मैंने फिगर भी आपको ड्रॉ करवाई थी. तो इट इज वेरी मच अंडरस्टूड बाय एवरीवन कि असर्शन आपका फॉल्स है. रीजन इज एन ऑल्टीट्यूड ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल लाइज आउटसाइड द ट्राइंगल. थैंक यस यू. ट्रू, बोथ आर रिलेटेड. डी डी पार्ट. पार्ट, यस. थर्ड क्वेश्चन इज ऑल द मीडियंस एंड ऑल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर सेम. अपने की पॉइंट्स पढ़ो जल्दी से, मैंने लिखवाया था इसमें आपको, पढ़ के बताओ. सी द पॉइंट्स कि मैंने इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में आपको बताया था कि मीडियन इज इक्वल टू ऑल्टीट्यूड होता है. आइसोसेलेस के बारे में मैंने शायद लिखवाया था आपको, तो इक्विलेटर और आइसोसेलेस एक ही बात. बताया था कि अगर जो प्रॉपर्टी आइसोसेलेस की, यस ओके, ऑल द मीडियंस एंड ऑटिट्यूड ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल आर सेम. हाँ जी बेटा, बातें नहीं करनी जो डिस्कस कर रहे हैं मैम, वहां पे सुनो. बस फिगर में बेटा, मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये उसकी साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे ये वाले, और बताया था कि इसका जो मीडियन होता है वही उसको 90 डिग्री भी बनाता है और उसको बाइसेक्ट भी करता है, दोनों काम करता है. सिमिलरली आपकी इक्विलेटरल ट्राइंगल में भी सेम प्रॉपर्टी होती है, सेम तीनों साइड्स इक्वल है तो मीडियम जो होगा वो 90 डिग्री एंगल भी बनाएगा. प्लीज रिमेम्बर, छोटी सी फिगर अपने माइंड में रखो, ये आपको इसके साइन से ज्योमेट्री में ना आपके जो सिंबल्स होते हैं दे स्पीक, दे टेल यू मेनी थिंग्स. ठीक है, फिगर से ही आपको बहुत कुछ पता चल रहा है. यहाँ भी पता चल रहा है कि दो साइड्स इक्वल है. ठीक है, ये तो चलो ये इसके वो हो गए, बाइसेक्टर है तो इसलिए इसको टू इक्वल पार्ट्स में काट रहे हैं, ये दो इक्वल हो गए. इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स इक्वल हैं तो बाइसेक्टर जो होता है वो ऑल्टीट्यूड भी होता है. दिस इज ट्रू. रीजन ऑल द मीडियंस एंड ऑल्टीट्यूड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल आर सेम. थैंक यू. All the medians and altitude of an isosceles triangle are same. Yes, true. This is also true. तो आपकी ऑप्शन कौन सी होगी इसमें? ए या बी? पार्ट. ओके, इक्विलेटर की बात कर रहे हैं, ऊपर हम इक्विलेटर की बात कर रहे हैं, नीचे हम रीजन में सोशलिस्ट की बात कर रहे हैं, तो इट इज बी ऑप्शन. ओके, फोर्थ क्वेश्चन रीड करो. द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, देन द लेफ्ट साइड लाइज बिटवीन 2 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर. फॉल्स. फॉल्स, कैसे बताया आपने, क्या सोच के बताया? मैम, द सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड. यस, आपने पढ़ा हुआ ना, बुक में कर लिया है ये आपने. ओके, ये थोड़ा सा थोड़ा डिफिकल्ट वाला टॉपिक है, हो सकता है आपकी नेक्स्ट मॉड्यूल में ऐसे वाले क्वेश्चंस आएंगे, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ बेटा. इसमें व्हेन वी टॉक अबाउट अ ट्रायंगल, उसमें अगर हम बात कर रहे हैं, सर अंदर लिखने की जरूरत नहीं है, आई एम राइटिंग हियर ओनली, साइड्स की बात हो रही है, तो आपने पढ़ा हुआ है कि सम ऑफ टू साइड, दो प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी हुई हैं. किसी को डाउट है तो की पॉइंट्स में लिख लो ये, सम ऑफ टू साइड्स ग्रेटर देन थर्ड साइड. ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है ट्राइंगल की जो आपने यूज करनी है.
क्वेश्चन तो चलो मैं बात कर लेती हूँ, पहले की पॉइंट्स में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लिख लो क्योंकि इसकी आपकी मेरे साथ डिस्कशन नहीं हुई अभी, ग्रेटर साइड लेसर साइड वाली, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, असर्शन रीजन कंटिन्यू करते हैं फिर बाद में। की पॉइंट्स की लिस्ट खोल के रखो सारे, उसमें ऐड करो। रीजन ट्रू वेट वेट, कैसा आप ब्रेक ले रहे हैं हम, पहले की पॉइंट्स में लिख लो कि सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, एंड दूसरी चीज डिफरेंस ऑफ टू साइड्स, डिफरेंस ऑफ टू साइड्स इज लेस देन थर्ड साइड, रिमेंबर सो दैट यू कैन डू इट इन, यू कैन अप्लाई इन क्वेश्चंस। जब भी आप कोई भी टू साइड्स का, ये नहीं कि कोई कंडीशन है कि हाँ ए बी और बी सी सिर्फ, नो, एनी टू साइड्स को जब आप प्लस करोगे हमेशा वो थर्ड वाली साइड से बड़ी होगी, और डिफरेंस में भी सेम है, जब आप बड़ी वाली साइड छोटी वाली साइड से माइनस करोगे, डिफरेंस निकालोगे दो साइड्स का, तो वो हमेशा थर्ड साइड से छोटी होगी। अभी एग्जाम्पल लिखो इसके साथ, फॉर एग्जाम्पल, फिर हम क्वेश्चन बाद में करते। सपोज आपको टू साइड दी हुई है 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, लेट टू साइड्स, ये बिल्कुल न्यू क्वेश्चन है, ये आपने अभी तक मेरे साथ डिस्कस नहीं किया, मुझे लगता है ये अभी विल डू इट टुमारो, क्योंकि अभी ये बिल्कुल न्यू क्वेश्चन स्टार्ट होने वाला है, और इसमें प्रॉब्लम भी है काफी बच्चों को, आई केम टू नो कि ग्रेटर और डिफरेंस वाली थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को। ठीक है, अभी लिखो कुछ नहीं, जस्ट अंडरस्टैंड करो, एक बार सुन लो बस, मेरे को बहुत लिख लिया आपने, एवरीबडी लुक स्ट्रेट। ठीक है, सोशल रीजन हम कंटिन्यू करेंगे कल। सपोज कर लो आपके पास टू साइड्स हैं 8 सेंटीमीटर, एक्सक्यूज इसमें मैम, अजर्शन के 9th में कंफ्यूजन सेशन के 9th में, कौन सा, एक बार रीड करोगे बेटे, एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट। हाँ मैं वही तो बता रही हूँ बेटा, 9th में कंफ्यूजन है, ये अभी डिस्कस कर रहे हैं हम, डिफरेंस और इसकी बात कर रहे हैं अभी। मैं आपको जस्ट लिसन हियर, एवरीबडी लुक हियर, अभी कुछ लिखना नहीं, जो मैं बता रही हूँ सिर्फ उसको सुनो, क्वेश्चन हम कल करेंगे, क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, जस्ट अंडरस्टैंड कि ये तो एक कंसेप्ट है आपको समझना है, कि जब हम सम करेंगे वो थर्ड साइड से बड़ा होगा, जब डिफरेंस करेंगे किसी भी टू साइड्स का वो थर्ड साइड से छोटा होगा। मैंने एग्जाम्पल ले लिया, सपोज कर लो आपकी टू साइड्स हैं 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, लेट टू साइड्स बी 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, आपके पास एक ट्राइंगल है, एक की साइड है 6 सेंटीमीटर, एक की है 8 सेंटीमीटर, सब अभी ध्यान से सुनो बस। राइटिंग ओके, अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि हमने थर्ड साइड के बारे में सोचना है कि वो क्या होगी, हमने अगर ये प्रॉपर्टी लगानी है तो हम क्या करेंगे, हम, मुझे कंडीशन ये पता है कि अगर हम दो साइड्स को प्लस कर देंगे तो वो जो थर्ड साइड आएगी उनके सम से बड़ी होगी, तो मैं इन दोनों को प्लस करती हूँ, 6 + 8 कितना आया, फोर्टीन इसका मतलब मुझे ये क्लू पता चल गया कि जो मेरी थर्ड साइड होगी ये वाली ए बी सी, बी सी साइड जो होगी वो 14 से बड़ी होगी, इतना मेरे को पता चल गया, क्लू मिल गया मेरे को, कहां से पता चला, यहां से पता चला कि सम ऑफ टू साइड जो होती है हमेशा ग्रेटर देन थर्ड साइड होगी, टू साइड सॉरी थर्ड साइड जो है वो उससे लेसर होती है, तो यहाँ पे अपोजिट साइन आएगा, दिस इज बीसी जो होगी वो इसे 40 से कम होगी, दिस इज फाइन, सिर्फ हमने अभी ए प्रॉपर्टी लगाई है, ए वाली प्रॉपर्टी लगाई कि सम ऑफ टू साइड जो होता है इट इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, ये चीज पता चल गई आपको, हमें क्लू पता चल गया कि बीसी जो है वो 40 से छोटा होगा, हो सकता है 10 हो सकता है 11 हो 13 हो 12 हो, डजंट मैटर, आप देखेंगे क्या है।
अभी एक और कंडीशन है, हमें बी कंडीशन भी पता है। इसमें बी कंडीशन हमें बताती है कि उनका जो डिफरेंस होता है, दैट इज 8 माइनस 6। डिफरेंस हमेशा हम बड़े में से छोटा ही माइनस करेंगे ऑफ कोर्स। उनका जो डिफरेंस है वो है 2 सेंटीमीटर। इसका मतलब हमें एक क्लूज पता है, यहां से हमें फॉर्मूला जो पता है, जो अपना कंसेप्ट पता है, वहां से पता है कि जो थर्ड साइड होगी, जो बीसी होगी, वो बड़ी होगी किससे? 2 सेंटीमीटर से। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें पता चल चुकी है कि फॉर बीसी की जो लेंथ होगी वो 2 से बड़ी होगी लेकिन 14 से छोटी होगी। तो क्या क्या हो सकती है? 3 हो सकती है, 4 सेंटीमीटर हो सकती है, 5 सेंटीमीटर हो सकती है, ये सारी हो सकती है अप टू 13 सेंटीमीटर। कोई भी हो सकती है इनमें से, हो सकता है ये हो, ये हो, ये हो, अप टू 13। इज इट फाइन टिल हियर? इट इज क्लियर? यस सिर्फ समझना है इसको, क्वेश्चन हम कल करेंगे। ओके, आपको ये पता चल गया कि अगर हमें 2 साइड्स पता है तो थर्ड साइड हमें क्लू मिल सकता है, हम हिंट ले सकते हैं कि वो कहाँ कहाँ आ सकती है अकॉर्डिंग टू आर फॉर्मूला। तो हमें ये पता चल गया इस क्वेश्चन में कि वो 2 से बड़ा होगा, 14 से छोटा होगा। इसका मतलब है कि जो बीसी लेंथ है वो 2 से बड़ी है और 14 से छोटी है। इसका मतलब वो 2 और 14 के बीच में लाइन करेगी। फाइन। Today I गुड इवनिंग, हैव लॉन्ग टेस्ट। लॉन्ग टेस्ट है आज हमारा। हो रहा है अभी, प्लीज रिवाइज दिस कंसेप्ट, फिर हम एसर्शन रीजन आगे करेंगे, आपको फिर समझ आएगा। चलो सी यू टुमारो बेटा।